उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर आपकी जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है, मतलब a1x plus b1y is equal to 0 और a2x plus b2y is equal to 0। मतलब आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो जीरो होता है, मतलब उसके पास एक्स वाई वेरिएबल तो होते हैं लेकिन जो कांस्टेंट के लिए डिफाइन होता है वो आपके पास जीरो होता है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो तब होगा जब आपका ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। मतलब यहां पर इसके कोफिशियंट का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन के पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या है कि एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। लेकिन इस इक्वेशन के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन तब होगा, मतलब वहां पर एक्स जीरो और वाई जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ और एक्स वाई की वैल्यू होगी। कब? जब आपका ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू होगा बी वन अपॉन बी टू के। ये आपको समझ आया? अब याद करिए एक छोटी सी बात, आपके पास ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, सी वन सी टू तो है नहीं क्योंकि वो जीरो जीरो है। तो ऐसी कंडीशन तो दो चीज में होता था, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में और एक हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि सी वन सी टू जीरो जीरो के इक्वल वो कंडीशन है नहीं ऐसा कुछ। तो यहां पर आपके पास बचा कौन? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सोचिए ना, अगर आपके पास रेशियो सेम होगा, मतलब जो यहां लिखा है उसी का कोई ना कोई मल्टीपल यहां लिखा होगा, जो यहां लिखा है उसी का कोई ना कोई मल्टीपल यहां लिखा होगा, मतलब सेम मल्टीपल। जैसे यहां एक्स प्लस टू वाई है इज इक्वल टू जीरो, तो हो सकता है यहां थ्री का मल्टीपल हो, मतलब थ्री एक्स प्लस थ्री टू जस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। यहां लिखा है माइनस का नाइन एक्स प्लस का सेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहां हो सकता है वन का मल्टीपल हो या माइनस टू का मल्टीपल हो, मतलब माइनस माइनस प्लस एटीन एक्स टू सेवन जा माइनस फोर्टीन वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे कोई भी मल्टीपल होगा। तो उस इक्वेशन के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि ये कंडीशन तो इनफाइनाइट वाले में लगती थी ना कि वो उसका कोफिशियंट आपस में इक्वल है, नॉन जीरो की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि आपका सी वन सी टू दोनों जीरो जीरो है, तो जीरो अपॉन जीरो तो कुछ मिलेगा नहीं, वो अनडिफाइन हो जाएगा, तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। बचा कौन? इनफाइनाइट वाला। तो ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन में आपके पास उसका यूनिक सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो तब होगा जब आपका ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। उसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तब होंगे जब आपका ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। यह आपको याद रखना है, दो क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर समझ आ जाएगा, इसे रफ करें। ओके, अब जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि इसके यहां पे कांस्टेंट आपका जीरो है, तो क्वेश्चन में है कि कब इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि वहां पर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। यहां ए वन की जगह थ्री है, बी वन की जगह सेवन है, ए टू की जगह आपका के है और बी टू की जगह आपका ट्वेंटी वन है। तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, मतलब ये थ्री अपॉन के इक्वल होना चाहिए सेवन अपॉन ट्वेंटी वन के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेवन की के में करिए, सेवन के इज इक्वल टू ट्वेंटी वन, थ्री जा थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, के की वैल्यू जब नाइन होगी तब इसके पास एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वाला देगा ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो वहां पर उसके कोफिशियंट को इक्वल पुट कर दो, क्वेश्चन वाला देगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, होमोजीनियस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो वहां पर उसके कोफिशियंट को इक्वल पुट कर दो, क्वेश्चन वाला देगा यूनिक सॉल्यूशन है
तो वहां पर उसके कोफिशियंट को इक्वल मत पुट करो, मतलब a1 अपॉन a2 को नॉट इक्वल पुट कर दो b1 अपॉन b2 और सॉल्व कर लो कि क्या वैल्यू नहीं आएगी। ये आपको समझ आया? चलिए